बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई इंसान अपना करियर बनाने का सपना देखता है। रोजाना बहुत से लोग इंडस्ट्री में आते हैं, परंतु सबको कामयाबी नहीं मिल पाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है इंडस्ट्री में टिक पाना। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो खूब मेहनत करते हैं, परंतु सबको कामयाबी नहीं मिलती है। तो वही कुछ कलाकार अपनी मेहनत के बलबूते आज बड़े स्टार बन चुके हैं और उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है, या सितारे एक फिल्म में काम करने के लिए अच्छी खासी रकम लेते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन स्टार्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन्होंने फीस की परवाह किए बिना अपनी दोस्ती यारी के खातिर कई फिल्मों में मुफ्त में काम किया है। तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किन किन सितारों का नाम शामिल है। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं TheLaddoo.com। आज के इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं करीना कपूर खान। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक करीना कपूर ने अपने अभिनय और खूबसूरती से लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि करीना कपूर ने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है और लोग उनकी एक्टिंग को बेहद पसंद भी करते हैं। करीना कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय क्षमता की वजह से बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि फिल्म बिल्लू में अभिनेत्री करीना कपूर को एक गाने मरजानी मरजानी में देखा गया था। यह गाना सुपरहिट साबित हुआ था, परंतु शायद ही किसी को इस बात का पता होगा कि इस गाने को करीना ने मुफ्त में किया था। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने वाले मशहूर अभिनेता आमिर खान और अमीन हाजी एक अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें कि फिल्म लगान के समय से ही इन दोनों की दोस्ती चली आ रही है। आमिर खान ने अपने दोस्त अमीन हाजी को बतौर निर्देशक अपनी फिल्म कोई जाने ना को सहारा दिया था। आमिर खान ने अपने दोस्त की मदद फिल्म बनाने में की और उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है शाहिद कपूर का। भारतीय बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को चॉकलेटी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में शाहिद कपूर ने कई प्रकार की भूमिकाएं निभाई है और उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है। आपको बता दें कि भले ही शाहिद कपूर बहुत कम फिल्मों में नजर आए, परंतु उनकी फिल्म हैदर सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में काम करने के लिए शाहिद कपूर ने सिर्फ 11 रुपए ही फीस लिया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है लिस्ट में चौथे नंबर पर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से फिल्मों में सस्ते में काम करवाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनका एक मेकअप मैन भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्टर बन गया है। इसी के चलते इस मेकअप मैन की फिल्म में काम करने के लिए अमिताभ बच्चन ने कोई रकम नहीं ली थी। फरहान अख्तर ने इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर जगह बनाई है। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा भाग बनाने में खूब मेहनत की और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया था। लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई और लोगों ने फरहान अख्तर के अभिनय की खूब प्रशंसा भी की थी। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए फरहान अख्तर ने सिर्फ 11 रुपए ही लिए थे। लिस्ट में अगला नाम है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अच्छा खासा नाम कमाया है। प्रियंका के पास आज धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, या फिल्मों के साथ साथ बिजनेस से भी अच्छा खासा कमा रही हैं। आपको बता दें कि फिल्म बिल्लू में एक गाने खुदाया खैर में अभिनय करने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने भी कोई फीस नहीं ली थी। उनके पास घर चेक भी भेजा गया था, परंतु प्रियंका ने उस चेक को वापस कर दिया था। और अब आते हैं आज के लिस्ट में आखिरी नंबर पे इस एक्ट्रेस का नाम है कैटरीना कैफ। बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में पॉपुलर सॉन्ग चिकनी चमेली पर डांस करने वाली कैटरीना कैफ ने भी दोस्ती के खातिर इस आइटम नंबर के लिए कोई फीस नहीं ली थी। आपको बता दें कि इस गाने के हिट होने की खुशी में करण जौहर ने कैटरीना को एक फरारी कार गिफ्ट की थी।
तो ये थे बॉलीवुड के कुछ स्टार्स और सुपरस्टार्स जिन्होंने दोस्ती यारी में कई फिल्में फ्री में की थी। तो अगर आप भी ऐसे किसी एक्टर के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आपको वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हम ऐसी ही रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले लेकर पहुंचे। धन्यवाद।